बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तें राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग भैरवी भजन 79। सदा सत संग श्रद्धा से करना सुन सत्य वचन मन में धरना। ओ सुन सत्य वचन मन में धरना। छोड़ सर्व संग सत संग जाओ। बैठ प्रेम से गोविंद गुण गाओ। लेके ज्ञान सर्व बंधन हरना। सुन सत्य वचन मन में धरना। सुन सत्य वचन मन में धरना। संग दुर्जन का दुखदाई है। सतपुरुषों का सुखदाई है। ओ संतों की शरणी पढ़ना। सुन सत्य वचन मन में धरना। सुन सत्य वचन मन में धरना। सत्संग में ही प्रभु बसता है। यही राम मिलन का रसता है। कहे टेम करे सत्संग तरना। सुन सत्य वचन मन में धरना। सुन सत्य वचन मन में धरना। राग भैरवी भजन 80। दर आया तेरे सतगुर मैं। विपत हरो मेरे तन मन की। उधर आया तेरे सतगुर मैं। विपत हरो मेरे तन मन की। हम पापी अधम अज्ञानी है। तुम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। खान ज्ञान गुण रत्नन की। विपत हरो मेरे तन मन की। विपत हरो मेरे तन मन की। मैं जम से हर दम डरता हूँ। पुन जग में जमता मरता हूँ। अब 84 कट निज जन की। ओ विपत हरो मेरे तन मन की। विपत हरो मेरे तन मन की। तेऊ सब जग देखा मैं। तुम जैसा ना देखा मैं। उठ गई तेरे चरणन की। राग भैरवी भजन 79।
सदा सत्संग श्रद्धा से करना, सुन सत्य वचन मन में धरना। गुरु महाराज जी इस पावन भजन में सदुपदेश दे रहे हैं कि हमेशा नित्य प्रति सदैव श्रद्धा भावना धारण करके सत्संग करो। सत्संग में बैठ के संत महापुरुषों के सत्य वचनों को श्रवण करो और मन में उन वचनों का बैठ के विचार करो। संसार के सभी संग त्याग दो। संसार का संग, संसार के व्यक्तियों का संग, दुर्जनों का संग, वो तुम्हें दुख प्राप्त कराएगा। इसलिए कुसंग को छोड़ के सभी प्रकार के संगों आसक्ति का त्याग करके प्रेम भावना से श्री हरि के गुणगान में अपने मन को लगाओ। गुरुदेव के पावन चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो, जिनसे तुम्हारे सभी प्रकार के बंधन हट जाएं, दूर हो जाएं। दुर्जन का संग कुसंग हमेशा दुख देने वाला है। सतपुरुषों का संग, महात्माओं का संग, महापुरुषों का संग परम सुखदाता है। इसलिए उनकी शरण में जाकर सही राह पूछ के उस राह पे अपने मन को लगाओ। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति सत्संग के द्वारा ही होती है। संतों के संग के द्वारा ही ईश्वर से मिलने की राह प्राप्त होती है। वही बताते हैं कि ईश्वर से मिलने का कौन सा मार्ग है। उस मार्ग पर चल के और सत्संग करके इस संसार सागर से पार हो जाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लाओ जो करती है लाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी, प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।